बहुफोड़ के लोगों की ओर से की जा रही है, डिफरेंट मोहल्लों के प्रेसिडेंट और डिफरेंट बरादरी से और डिफरेंट पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रखी गई है कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी बहुफोड़ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आज भी लोग प्यासे हैं। वेरैज ये हमारा सेंट्रल पंपिंग स्टेशन, ये फिल्ट्रेशन प्लांट है, 16.5 कनाल जमीन बहुफोड़ के लोगों ने दी हुई है, जहाँ पर हमने स्कूल ग्राउंड बनाना था, PHC बनानी थी, जहाँ पर कम्युनिटी हॉल बनाना था, लेकिन वो हमने 16.5 कनाल जमीन फिल्ट्रेशन प्लांट को दी इस आश्वासन के साथ कि हमारे लोकल लोग वहाँ पर एंगेज होंगे और हमें रोज़ पानी पीने के लिए मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी हमें PHC की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आज 75 साल की आज़ादी के बाद भी हमारा यह हाल है। हमें रोज़ सुबह सबसे पहले 50 से भी ज़्यादा टेलीफोन सुनने पड़ते हैं कि आज हमारा पानी नहीं आया है, आज हमारा पानी लेट हो गया है। तीसरे दिन पानी आता है, वो भी अनशेड्यूल मैनर में आता है और वो भी कम टाइम तक आता है। जो हमारी मोटर हैं, जो हमारे पंप्स हैं, वो भी अंडर कैपेसिटी के हैं, जो कि प्रॉपर पानी हमें नहीं दे पाते हैं। हमने कितनी बार हमें ये पंपिंग स्टेशन, बोरिया पंपिंग स्टेशन हमें लॉक करना पड़ा, लोगों ने प्रोटेस्ट किए, लेकिन फिर भी इस जल शक्ति डिपार्टमेंट को, PHC डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने एक JEE से लेकर एक्शन से, हमने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर, कमिश्नर सेक्रेटरी PHC, उसके बाद हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर उसके बाद हमारे एडवाइजर्स हैं, एडवाइजर टू LG, हमारे LG हैं या गवर्नर हैं, उनके साथ मुलाकात की। और रिसेंटली हमने हमारे LG साहब हैं उनको भी मेमोरेंडम दिया कि हमें पानी दे दो। पानी के लिए हमने अपने झोली फैलाई है बहुफोड़ के लोगों ने, लेकिन नहीं पानी दे रहे हैं। आज हम मजबूर होके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के जा रहे हैं और मैं वार्न करूंगा पूरे बहुफोड़ के लोगों की तरफ से, अगर हमें पानी मुहैया नहीं हुआ तो हम एजिटेशन करेंगे, हमारे ऊपर जो भी लॉ लाने हैं, FIR लानी है, जो मर्जी कुछ करेंगे, लेकिन पानी का हक हमें चाहिए, उसके लिए हम लड़ने को तैयार हैं। हम बहुफोड़ के लोग अभी तंग आ चुके हैं।